मध्य प्रदेश के रीवा में पुलिस को नशे के विरुद्ध बड़ी सफलता हासिल हुई। वहीं पुलिस ने चला रहे अभियान के तहत रीवा के हनुमाना में थाना प्रभारी शैल यादव के नेतृत्व में 580 सीसी अवैध नशीली कप सिरप की तस्करी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं गांजा तस्कर सहित तीन तस्करों के विरुद्ध पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है। रात हमको मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि यूपी तरफ से कप सिरप की खेप लेकर के दो तस्कर सीधे जिला जाने वाले हैं, और जिसमें बलोरे से कप सिरप की खेप जाने वाली है, उसको हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए यहाँ हनुमाना बॉर्डर पे पकड़ा है। और कुल 580 सीसी कप सिरप जब्त हुई है। दो आरोपी क्रमशः नरेंद्र सिंह चौहान एवं रोहित जायसवाल 580 सीसी कप सिरप तथा एक बलेरो MP 53 TA 2016 जब्त हुई है।